पिकअप ना इसका चढ़ाई में थोड़ा कम है, एकदम से नहीं खींच पा रही है। थर्टी, अरे चेक ही नहीं हो सही से, मैंने ध्यान ही नहीं दिया पहले भी कितनी गई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फिलहाल आज का ब्लॉग देख रहे हो FZ5 से स्टार्ट हो रहा है और ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो, बुलेट अपना पीछे खड़ा है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। ए ले चलनी, चलो टिकर हो गए, चलना कहाँ होगा, चलना टिकर। काफी टाइम बाद में दूसरी बाइक चला रहा हूँ, तो मजा आ रहा है। फिलहाल ना हाईवे पे आ चुके हैं और अभी ना हल्का सा आपको भगा के दिखाता हूँ। बुलेट के बाद ना इसको चलाने में इतना मजा आ रहा है ना, बुलेट में क्या है हल्के से ना वाइब्रेशन है, इसमें वाइब्रेशंस नहीं है ना। बाईपास वाले रोड पे लियो ना, वहाँ पे इसके कंट्रोल तक रहे यार, इंडिकेटर लेफ्ट राइट साइड का, ये हाई लोबियम का, ये रेस का हॉर्न, और ये भाई इसका लाइट का ऑन करने का, ये रेस का किल स्विच, और ये रहा सेल्फ स्टार्ट। चलो भाई अब बाईपास पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से बाईपास पे चलते और भगा के दिखाता हूँ आपको। टू के ऊपर जा ही नहीं रही, क्या चक्कर है, अब गई थी। अरे मजा आ गया, यहीं से ले लेना। ये है कितने सीसी है, कितने सीसी है, 150 है। भाग सही रही थी फिर भी, 150 चढ़ाई थी ना, तो 82, 83 ऐसे जा रही थी, उससे ऊपर नहीं गई, चढ़ाई थी ना, अभी जाते टाइम देखेंगे। टॉप कितनी है इसकी, मतलब बिल्कुल टच होती है ना जो जाके। अब यहाँ पे 5-10 मिनट रुकेंगे और फिर निकलेंगे वापस। तूने दाढ़ी यहीं करानी, बाइक को चलाने में इतना मजा आ रहा है ना, और इसके ना भाई शोकर इतने सही है ना, ये देख रहे भाई ऐसे चल रही है, बाकी भगाने में भी मजा बहुत सही आ रहा है इसको। अभी तो भाई चढ़ाई थी ना, तो 82-83 तक गई है, अभी फिर चेक करेंगे। इसको दाढ़ी करवानी है तो बाइक थोड़ा साइड में लगाता हूँ। इनके ना भाई फुटरेस्ट जो देना काम पीछे को, मेरे बुलेट के ना यहाँ पे होते बिल्कुल सामने ऐसे, इसका सिटिंग पोस्चर ऐसा ना भाई, तो फुटरेस्ट वगैरह भी पीछे है, स्पोर्ट्स बाइक है ना। इसके आगे से शेप बड़ी प्यारी है ना, कोई रिंग करके बच गई। मैं तो इतने टाइम बाद सेल्फ मार के बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, वरना डेली किक मारनी पड़ती है। पकड़ के बैठियो, जाते टाइम तो भाई चढ़ाई थी ना, तो सही से भाग नहीं पा रही थी, अब देखते हैं। 90 पिकअप ना इसका चढ़ाई में थोड़ा कम है, एकदम से नहीं खींच पा रही है, बाकी वही 90 तक तो पहुंची है यार, आगे ट्रैफिक है, नहीं हो पाएगा चेक।
ड्राई हो मत, ब्रेक के ब्रुक के मार लियो है ना, वही शादी हो रही है, चले। डान पे ओवरटेक मत लियो, चल जान दे, चढ़ाई है ना तो नहीं जा रही है इस साइड को ज्यादा। यहाँ से उठ ले, वापस ले आते हैं यहीं पे। ये पता क्या, चढ़ाई में ज्यादा खींच नहीं पा रही है, सर्विस हो जाएगी और एयर फिल्टर साफ हो जाएंगे, फिर और भागेगी। हाँ घुमा ले, जान दे कुछ नहीं है पीछे, जान दे जान दे कुछ नहीं है, घूट रही है अभी। हाँ फिफ्टी अभी आगे उतराई में भागेगी, सेवेंटी एट्टी नाइनटी, बस रहने दे ज़्यादा ना खींच। नाइन्टी फाइव हंड्रेड कर ले, धीरे गले टर्न है, चल हाँ सौ टच होगी। गई ना, एक सौ पाँच जाती ज़्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाती, हिम्मत ही नहीं होती, रोड ही नहीं ऐसा कोई, बाईपास पे होगा। इसका पिकअप थोड़ा लेट है, वो चेक करते हैं पहले दूसरे तीसरे गियर में कितनी कितनी जाती है। थर्टी, अरे चेक ही नहीं हो सही से, मैंने ध्यान ही दिया पहले भी कितनी गई। थर्टी नाइन सिक्सटी वन एट्टी टू, डर लग रहा है मुझे, मेरे को भी लगता है, मैं खुद जैसे मर्जी भगाऊं पर किसी के पीछे बैठूंगा ना, मेरे को भी डर लगता है, ऐसा लगता है ना कि बहुत ये तो बहुत तेजी करती है। हाँ लगता है गिरे गिरे अब लगे घुटने। ओए 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 भी है बाइक में, और 150 सीसी, 150 सीसी के हिसाब से बहुत है, 150 सीसी है उसके हिसाब से बहुत है। मेरे को इसके शॉकर बहुत सही लग रहे हैं, शॉकर बहुत सही लग रहे हैं मेरे को इसके, शॉकर बड़े मस्त है, भगाने में मजा आ रहा है, लीन करने में अलग ही मजा आ रहा है। ये 150 सीसी है, यह बाकी ना ज्यादातर। हाँ देख ना कैसे दौड़ रही है, दौड़ कैसे रही है, पहुंच चुके वापस घर, और ये रहा अपना बुलेट, ये देख रहे हो सामने खड़ा है, उस दिन ऑफ रोड करके आए थे ना, उसका वॉश भी नहीं किया, तो वॉश भी करना है, ये भी वॉश करने वाली, और पर कल शायद इसकी सर्विस करवाने जाएंगे FZ5 की। अरे न्यूट्रल क्यों नहीं हो रही, चलो ऐसे, कल शायद इसकी सर्विस करवाने भी जाने हैं, मेरे को बुलेट की ना क्लच वाली वायर भी चेंज करवानी है, सो देखते हैं कल का क्या प्लान रहता है। फिलहाल भाई इस बाइक को चलाने में तो भाई मज़ा इतना सही आया ना, इसका भी सीटिंग पोस्चर भी ना काफ़ी सही है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, नॉर्मल है, पर मज़ा आया भाई लीन करने में भी भगाने में भी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।